वेलकम टू लर्न यू एंड मी। इस वीडियो में मैं आपको काउंटिफ और काउंटिफ्स फंक्शन के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा टेबल है। यहाँ पर शॉप का नाम है, ठीक है, S1, S2, S3। यहाँ पर SKU और प्रोडक्ट का नाम है। यहाँ पर उसका रिस्पेक्टिव MRP है और यहाँ पर सेल क्वान्टिटी उसका, ठीक है। ये टेबल हमारा डाटा टेबल है, ठीक है। मैं सबसे पहले काउंटिफ बताऊंगा। यहाँ पर हम काउंटिफ में हम केवल एक ही कंडीशन को सर्च कर सकते हैं और आउटपुट ला सकते हैं, ठीक है। तो काउंटिफ का सिंटेक्स देख लेते हैं पहले। काउंट इफ, जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट जो है हमारा क्राइटेरिया, हमारा जो इनपुट है रेंज है, सेकेंड जो है क्राइटेरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर देख सकते हैं SKU काउंट इन अ शॉप। तो हमें यह जानना है कि पर्टिकुलर शॉप में कितना SKU काउंट है। जैसे कि S1 में 3 SKU काउंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं S1 में 3 SKU काउंट है, ठीक है। तो हमें इधर पर सबसे पहले S1 लिख देता हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, काउंट इफ फंक्शन लगाता हूँ। काउंट इफ रेंज क्या होगा, क्योंकि हमें शॉप को काउंट करना है, ठीक है, शॉप को काउंट करना है। तो जितनी बार शॉप होगा उतनी बार भी उसका SKU होगा। तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा शॉप का जो कॉलम है वो रेंज हो जाएगा। इसको मैं फ्रीज कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मेरा क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, इक्वल टू S1, ठीक है, इक्वल टू S1 के लिए मैं क्या करूँगा, उसका रेंज सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं S1 में 3 SKU है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, 4 कर देता हूँ, 4, तो ये नंबर चेंज हो जाता है। S4 में देखो 4 SKU है, ठीक है। तो इस कुछ इस तरह से काउंटिफ काम करता है, ठीक है। ये हो गया इक्वल वाला कंडीशन। आप ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू का भी कंडीशन लगा सकते हैं, पर एक ही कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, SKU काउंट वेयर सेल क्वान्टिटी इज। अब हमें ऐसे SKU का काउंट लाना है जहाँ पर सेल क्वान्टिटी, ठीक है, जो सेल में दिए गए कंडीशन उसको सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो जैसे कि मैं बोल देता हूँ लेस देन 4, सेल क्वांटिटी जो है लेस देन 4 है। तो काउंट इफ, क्योंकि हमें क्वांटिटी को टेस्ट करना है, क्वांटिटी तो हमें हमारा रेंज क्या हो जाएगा, क्वांटिटी वाला कॉलम हो जाएगा, इसको फ्रीज कर सकता हूँ। अभी हमारा क्राइटेरिया क्या है, लेस देन 4 है, इसको मैं उस सेल को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अब लेस देन 4 वाला देखो 4 बता रहा है। अगर मैं इसको फिल्टर करता हूँ, नंबर फिल्टर लेस देन 4, तो देखिए पूरा कितना बता रहा है, 4 SKU, ठीक है, 4 रिकॉर्ड बता रहा है, ठीक है। यहीं पे मैं अगर मैं ग्रेटर देन 4 कर देता हूँ या फिर लेस देन इज इक्वल टू 4 कर देता हूँ तो उतना ही बता रहा है, ठीक है। या फिर 4 कर देता हूँ तो 0 बताएगा, या फिर 3 कर देता हूँ तो 2 बता रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं 3 जो क्वान्टिटी है 2 SKU में बिका है, ठीक है, ये देखो, ठीक है। आप इधर हार्ड वैल्यू भी ले सकते हैं, ठीक है, 3 या फिर लेस देन 3, ठीक है, लेस देन 3, 2 ही रिकॉर्ड है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। आप हार्ड वैल्यू भी ले सकते हैं, पर मैं यहाँ पर एक रेफरेंस दे दूँगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से काउंटिफ काम करता है। तो जैसे कि आपने देखा कि काउंटिफ में केवल एक क्राइटेरिया का यूज़ कर सकते हैं हम, पर अगर मैं कहूँ कि हमें SKU काउंट को काउंट करना है एक पर्टिकुलर शॉप में जहाँ पर उस SKU की MRP एक मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर इक्वल टू हो, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं हमें शॉप को भी देखना है प्लस MRP को भी देखना है, तो मोर देन वन कंडीशन हो गया। तो इस केस में हमें काउंटिफ का ना यूज़ करके काउंट इफ्स का यूज़ करना पड़ेगा। काउंट इफ्स में हम लोग मोर देन वन क्राइटेरिया को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमें चलो मैं बोलता हूँ कि S3 हमारा ये शॉप है, S3, इसको मैं शॉर्ट कर लेता हूँ आपकी सहूलियत के लिए, ठीक है, ताकि देखने में आसानी हो। S3 में हमें क्या चाहिए, लेस देन 400 या फिर 700 या फिर बोल सकते हैं इक्वल टू 700 MRP वाले कितने SKU सोल्ड हुए हैं, ठीक है। तो काउंटिफ्स
लगा लेते हैं काउंट इफ्स। तो सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज वन है। क्राइटेरिया रेंज हम या तो एमआरपी भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर शॉप भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो काउंट इफ्स में क्राइटेरिया रेंज क्या हो जाएगा, हमें शॉप चाहिए, शॉप को हमें देखना है, तो शॉप वाले रेंज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। शॉप क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए एस टू, तो उसके सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है, एस टू में एम आर पी क्या होना चाहिए, 700, तो एम आर पी का रेंज सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको फ्रीज कर देते हैं, फ्रीज कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, क्योंकि हमें एक ही सेल में लगाना है, तो ऑप्शनल है फ्रीज करना है, जो एब्सोल्यूट रेंज है लगाना है इसको ऑप्शनल है, ठीक है। अब इस एम आर पी में क्या होना चाहिए, ये एम आर पी क्या होना चाहिए, 700 होना चाहिए। तो जैसे कि आंसर क्या दे रहा है, एक दे रहा है, ठीक है। अब एस थ्री में, एस टू में देख लेते हैं, एस टू में देख लेते हैं, 700 वाला एक ही एस क्यू है, ठीक है। अगर मैं कुछ इसको इस तरह से लिखता हूँ कि ग्रेटर देन इज इक्वल टू 700, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 700, तो 3 हो जाता है। तो एस टू में आते हैं, एस टू को सिलेक्ट कर देखते हैं, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 700, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3, 3 एस क्यू सोल्ड हुए हैं। आप यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते हो, सेल डिफरेंस की जगह ग्रेटर देन इज इक्वल टू 700 डायरेक्ट लिख सकते हो आप, ठीक है, डायरेक्ट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। काउंट इफ्स दो है, काउंट इफ का अल्टरनेट भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, हमें यहाँ पर क्या करना है, एस के यू काउंट वेयर सेल क्वान्टिटी इज 3, ठीक है। तो आप काउंट इफ्स का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस 3, तो यहाँ पर 2 ही आया, या फिर लेस देन 10, तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, लेस देन 10 देख सकते हैं आप, नंबर फिल्टर लेस देन 10, तो हमें कितना दे रहा है, कितना दे रहा है आंसर, 8, यहाँ पर देख सकते हैं 8 मिल रहा है, ठीक है, पूरा 8 क्वांटिटी है, 8 एस क्यू है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से काउंट इफ्स काम करता है। काउंट इफ में केवल एक ही कंडीशन को आप टेस्ट करते कर सकते हैं, काउंट इफ्स में एक या उससे ज़्यादा कंडीशन को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब या फिर कमेंट इनमें से कोई एक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर।